Good morning, students. Myself Vijendra Chauhan from Shri Narayan Vidyalaya Kanhan, and today we are doing chapter 5, formatting text in paint of standard 7. Here some topics are given in your computer textbook. So students, first topic is using text tool. So students, text tool हमको कब और कहाँ use करना है? जैसे आप computer का use करते हो, तो जब आप computer का use करते हो, तो maximum times आपको जब कोई typing का work अगर करना है, तो वो typing का work करने के लिए आपको text की ज़रूरत पड़ती है. Text means for the writing purpose. So students, here are the many tools given, and accordingly typing text in color. So कभी कभी text को color करने की भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है. जैसे हम कोई text की heading लिख रहे हैं, तो heading जो है उसे हम color में लिख सकते हैं, उसे हम header कहेंगे, फुटर कहेंगे, वो भी आप ऑलरेडी टेक्स्ट में ही इंक्लूड करोगे. तो स्टूडेंट्स, टाइपिंग टेक्स्ट इन कलर कुछ इस तरह से वो प्रोसेस है. इस बॉक्स में देखिए, यहाँ आपको कुछ रेड कलर टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, रेड कलर टेक्स्ट. सो आपको कीपैड के हेल्प से टेक्स्ट को टाइप करना है, और टाइप करने के बाद उस टेक्स्ट को पूरी तरह से पहले सिलेक्ट करना है. जितने पार्ट को आपको कलर करना है, उतना ही पार्ट आपको सिलेक्ट करना है, और उतने ही पार्ट को कलर पैलेट से कलर सिलेक्ट करके आपको कलर करना है. जैसे इन्होंने यहाँ पर रेड कलर किया है, उसी तरह आप यहाँ पर कोई भी कलर अपने मर्जी से पिक करके आप यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा बैकग्राउंड कलर, दिस इज़ द बैकग्राउंड कलर. सो यहाँ बैकग्राउंड कलर में येलो है, तो येलो के ऊपर यहाँ रेड में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी कोई भी चेंज कर सकते हो. सो चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स, सो उसके लिए आपको पहले टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना होता है. दिस इज़ द टेक्स्ट बॉक्स. इस तरह से आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करोगे, और फिर उस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप टेक्स्ट को टाइप करोगे, और टेक्स्ट बॉक्स टाइप करने के बाद आप कलर सिलेक्ट करोगे, और जितना भी बड़ा आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहो उतना बड़ा आप बना सकते हो. जैसे यहाँ पर देखिए, दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स. देन चेंजिंग द विड्थ ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स मीन्स जो टेक्स्ट बॉक्स है आप उसको अपने मर्जी चाहे विड्थ दे सकते हो, मीन्स उसको आप उतना ही लंबा कर सकते हो जितनी आपको उसकी ज़रूरत है, और जितना छोटा करना चाहो आप टेक्स्ट बॉक्स को उतना छोटा भी कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, ये भी आपको यहीं से आपको इसे रिसाइज करना है. यहाँ से ये जो है ये माउस पॉइंटर, यहाँ से आपको स्ट्रेच करना है. आप इस माउस पॉइंटर को इधर स्ट्रेच करोगे तो ये बॉक्स यहाँ से और यहाँ तक आएगा, येलो बॉक्स, और आप यदि इस को इधर स्ट्रेच करोगे तो ये रिसाइज हो जाएगा. फिर है चेंजिंग द हाइट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स. इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स की हाइट भी चेंज कर सकते हो. इसके लिए आपको माउस के पॉइंटर को यहाँ से नीचे स्ट्रेच करना पड़ेगा. जितना आप नीचे स्ट्रेच करोगे उतना ही आपका जो बॉक्स है उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, और इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इस बॉक्स को हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स. कौन सा बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स. फिर चेंजिंग द विड्थ एंड द हाइट टुगेदर. अगर आपको किसी सिचुएशन में अलग से अगर हाइट चेंज ना करना हो, अगर आपको विड्थ चेंज ना करना हो, और एक साथ आप हाइट और विड्थ दोनों चेंज करना चाहते हो, तो आप ये दोनों भी कर सकते हो. लेकिन ये दोनों करने के लिए आपको कहाँ माउस का पॉइंटर सिलेक्ट करना है ये इम्पोर्टेंट है.
तो उसके लिए आपको जो माउस का पॉइंटर है यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसे ऐसा स्ट्रेच करना है। जब आप इसे स्ट्रेच करोगे तो इसका हाइट भी बढ़ेगा और विड्थ भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ें इसकी बढ़ेगी। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टेक्स्ट टैब, यहाँ पर देखिए ये टेक्स्ट टैब जो आपको दिख रही है, यहाँ पर वेरियस कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, वेरियस कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर यहाँ से आप फॉन्ट का जो पैटर्न है उसे चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको टाइपिंग के लिए चाहिए आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो, मीन्स आप फॉन्ट को छोटा और बड़ा भी कर सकते हो, फिर यहाँ से आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, और यहाँ से आप उसका बैकग्राउंड जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, उसके बाद आप कलर कोई भी दे सकते हो, यहाँ से जो कलर आप टेक्स्ट को देना चाहो, टेक्स्ट बॉक्स को देना चाहो, ये आप सब यहाँ से कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर देखिए होम, व्यू, टेक्स्ट, तीन मेनू दिए हैं, तो यहाँ से आपको सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लुक हियर, ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट इन द डिफरेंट कलर, हियर दिस इज पर्पल, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑल दीज आर द डिफरेंट पैटर्न्स यूज हियर फ्रॉम द टूल बॉक्स हियर। सो इन द सेम मैनर इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट इन कंप्यूटर, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट टेक्स्ट, means for selecting the text you have to first of all select the font and then the font size and the font color, after selecting all these you can easily type the text, whatever text you want to type on the your screen, and then you can move on by typing with the keyboard. Aap keyboard se type karke किसी भी तरह के टेक्स्ट को आप कलर भी कर सकते हो, उसका साइज भी बढ़ा सकते हो, उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो, और जिस तरह भी आपको टेक्स्ट चाहिए उस तरह का टेक्स्ट आप आसानी से फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन सिंपली कॉल